Hello students, today I am here after a long break. I am very much worried about the students of class 8, especially board classes. So I am here with your chapter number 1 of science, crop production and management. Okay, जैसा कि आप लोगों ने first previous classes में भी पढ़ा है कि living organisms जो हैं सभी को food की requirement रहती है और food जो है हमें plants, animals दोनों से ही मिलता है. प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है और बोथ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना. अब सबसे पहले कि ज़रूरी है कि क्यों रिक्वायरमेंट है हमें फूड की. तो फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज़म्स. जो भी हम फूड खाना खा रहे हैं वो सभी यूटिलाइज हो रहा है ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू. और उसे हम किस में, उस एनर्जी को हम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके कंज्यूम हो रही है डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशंस, जो प्रोसेस हैं आपके बॉडी के उनमें वो कंज्यूम हो रही है. अब बहुत हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज कंट्री है लार्ज पॉपुलेशन के साथ में. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे पास बहुत सारा ग्रेन्स हो, क्रॉप हो, तभी हम उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें ज़रूरी है फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वी नीड रेगुलर प्रोडक्शन. बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन जो है हमारा वो कंटिन्यू रेगुलर होता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो उसके लिए. और अब मैनेजमेंट प्रोडक्शन तो हमने कर लिया और लेकिन उसके साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉपरली होना ज़रूरी है कि सभी लोगों को जो आपकी नीड है ग्रेन की वो मिल सके, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सके. नाउ द टॉपिक इज़ क्रॉप. सबसे पहले क्रॉप क्या होता है, ओके तो डेफिनेशन रहेगी हमारी, when plants of same kind cultivated at a place on a large scale and large area is called a crop. तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन को कैसे क्लासीफाई करेंगे कि जब हम सेम काइंड ऑफ क्रॉप यानी एक ही तरह की फसल जब हम लार्ज एरिया पे लार्ज अमाउंट पे जब हम उगाते हैं लार्ज लैंड पे तो उसे क्रॉप कहा जाता है. इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ दिया है वीट, राइस एट्सेट्रा, ठीक है, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो भी क्या है, डिफरेंट है क्योंकि हमारे लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं. तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया. टेम्परेचर भी अलग अलग है, क्लाइमेट अलग है तो टेम्परेचर भी अलग अलग होगा, ह्यूमिडिटी भी अलग है यहाँ की और रेनफॉल भी अलग है. इसलिए हमारे यहाँ पर रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स पाई जाती हैं, ठीक है ना. इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या रहता है, रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, हमारे यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पाई जाती हैं. अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की क्रॉप प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे किया जाता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप ऑफ क्रॉप्स. कितने टाइप्स की होती हैं, बेसिकली दे दीज आर ऑफ टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. दो तरह की मैंने आपको बताई है. कहीं कहीं आपको थ्री टाइप्स भी मिलेगा, उसमें ज़ाइद क्रॉप्स भी आएगी, पर अभी आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग दिस इज़ ओनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ खरीफ एंड रबी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द खरीफ क्रॉप्स. ये जो फसल है ये कब उगाई जाएगी, इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन और रेनी सीजन आपका रहता है जून टू सेप्टेम्बर, ओके. नाउ इसका एग्जाम्पल आपका है पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप जो कि हमने आपको बताया खरीफ क्रॉप, एंड इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन दैट इज़ जून टू सेप्टेम्बर. और एग्जाम्पल्स आर पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ओके. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप, दिस इज़ रबी क्रॉप और दिस इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन एंड द टाइमिंग इज़ अक्टूबर टू मार्च. और इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एट्सेट्रा. यस आई रिपीट इट अगेन, सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज़ रबी क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड द टाइमिंग इज अक्टूबर टू मार्च. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एट्सेट्रा.